भाई, जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, मंडे नाइट रॉ के ऊपर हो चुका है हमारे विजनरी सेठ फिकन रॉलिंस का रिटर्न। और क्या अब सेठ फिकन रॉलिंस अपने पुराने भाई यानी कि रोमन रेंज को फिर से स्मैकडाउन के अंदर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं? सेठ रॉलिंस कब जाने वाले हैं स्मैकडाउन के अंदर और कब वो रोमन रेंज को ज्वाइन करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसी के साथ साथ 5 साल बाद रोमन रेंज किसी इवेंट के अंदर कम्पीट कर रहे हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा इवेंट है। मॉन्स्टर ऑफ ऑल मॉन्स्टर ब्रॉन स्ट्रोमैन को भी मंडे नाइट रॉ के अंदर हो चुकी है खतरनाक वाली इंजरी। ब्रॉन स्ट्रोमैन भी अब WWE से काफी लंबे चौड़े लीव ले सकते हैं। तो चलिए भाई वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वो कौन सा इवेंट है जहाँ पे रोमन रेंज 5 साल बाद कम्पीट करने वाले हैं। आपको पता होगा कुछ ही समय पहले WWE ने रॉयल रंबल 2025 का पोस्टर रिलीज करा था। अगर आप लोग इस पोस्टर के अंदर देखोगे तो यहाँ पे CM Punk है, यहाँ पे रोमन रेंज और कोडी रोड्स भी है। और फिर रोमन रेंज भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाली स्टोरी लगाते हैं रॉयल रंबल की, और वो अपने आप को मेंशन भी करते हैं। रोमन रेंज ने लास्ट टाइम रॉयल रंबल के अंदर 2020 के अंदर कम्पीट किया था, लेकिन अब फिर से यानी कि उसके 5 साल बाद रोमन रेंज रॉयल रंबल के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। WWE के रॉयल रंबल के पोस्टर पर अब रोमन रेंज भी है, तो रोमन रेंज भी 30 मैन रॉयल रंबल के अंदर जाने वाले हैं। और अगर रोमन रेंज रॉयल रंबल को जीत जाते हैं तो फिर अगर WWE को रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच एक बार फिर से करवाना होगा तो फिर WWE एक बार फिर से उनका मैच करवा सकेगी टाइटल के लिए रेसलमेनिया 41 में। तो यहाँ पर अगर रोमन रेंज कम्पीट करेंगे तो रोमन रेंज के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे जीतने के। और कमेंट में सारे लोग ये जरूर बताना कि 2025 का रॉयल रंबल कौन जीत सकता है, वैसे आपको क्या लगता है। और फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में कि आखिरकार ब्रॉन स्ट्रोमैन को हुआ क्या है। हमने लास्ट मंडे नाइट रॉ देखा था बैड ब्लड से पहले का, जहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमैन आए थे और उन्होंने कम्पीट करा था ब्रॉनसन रीड के अगेंस्ट, और ये उनका लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था। और इस मैच के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन को इंजरी हो चुकी है। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज की तरफ से रिपोर्ट निकल के सामने है कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है उनके एब्डोमिनल एरिया के अंदर हो चुकी है इंजरी। अब ये देखो इंजरी काफी ज्यादा सीरियस ना हो हम तो ऐसे ही सोच के चले, लेकिन अगर सीरियस हो जाती है इंजरी तो फिर तो आप लोग ऐसा कह सकते हो कि जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है, जो मॉन्स्टर हमें WWE के अंदर इतने सालों बाद देखने को मिला है, वो मॉन्स्टर अब हमसे छिन जाएगा, हमारी आंखों के सामने से वो मॉन्स्टर हट जाएगा। क्योंकि भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत समय बाद WWE के अंदर आए हैं, तो अगर उनको वापस इंजरी हो जाती है तो वो WWE से लंबी चौड़ी लीव लेंगे। अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन लंबी चौड़ी लीव ले लेते हैं ना तो उनकी बुकिंग WWE काफी ज्यादा बेकार करने वाली है। वैसे अभी के लिए सिर्फ ऐसा ही होप करा जा रहा है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को इतनी खतरनाक इंजरी ना हो। इंजरी हुई भी हो तो भाई छोटे मोटे हो गई और वो कुछ ही हफ्तों में ठीक हो जाए, लेकिन अगर भाई बड़ी इंजरी हो जाती है तो ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE से लंबी चौड़ी लीव लेने वाले हैं। और फिर उसके बाद हम लोग फाइनली बात करते हैं सेठ फ्रिकन रॉलिंस और हमारे OTC रोमन रेंज के बारे में कि क्या सेठ रॉलिंस ने अपना जब रिटर्न कर लिया है, उन्होंने ब्रॉनसन रीड के ऊपर अटैक कर दिया, तो क्या अब सेठ फ्रिकन रॉलिंस स्मैकडाउन के अंदर जाने वाले हैं? क्योंकि स्मैकडाउन के अंदर है हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, तो क्या सेठ रॉलिंस जाकर रोमन रेंज को ज्वाइन करने वाले हैं? सेठ रॉलिंस कब जाकर कोडी रोड्स को भी ज्वाइन करने वाले हैं? कब सेठ रॉलिंस स्मैकडाउन के अंदर जाने वाले हैं? तो अभी के अगर हम लोग करंट टाइम की बात करें तो सेठ रॉलिंस ने ब्रॉनसन रीड के ऊपर अटैक किया सीधे अपने रिटर्न करने के बाद। सेठ फ्रिकन रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड की रिवाइवल अभी थोड़ी और लंबी चलने वाली है। सेठ रॉलिंस को भी पूरी तरह से ब्रॉनसन रीड से बदला लेना है, तो सेठ रॉलिंस अभी मंडे नाइट रॉ के अंदर ही रहने वाले कुछ टाइम के लिए। WWE ऐसा चाहती है कि सेठ रॉलिंस और ब्रॉनसन रीड की फ्यूड क्राउन ज्वेल तक कंटिन्यू रहे। सेठ फ्रिकन रॉलिंस मंडे नाइट रॉ के अंदर ही रहने वाले क्राउन ज्वेल तक। और जैसा कि अभी रिपोर्ट निकल के सामने है कि जो सेठ फ्रिकन रॉलिंस है वो रेसलमेनिया 41 के अंदर CM Punk को फेस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है रेसलमेनिया 41 को होने में भी काफी ज्यादा लंबा चौड़ा समय पड़ा हुआ है। सेठ रॉलिंस के पास अभी भी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है क्राउन जोल के बाद, तो वो स्मैकडाउन के अंदर जा सकते हैं। और क्योंकि हम सभी लोगों को पता है सेठ रॉलिंस से रोमन रेंज काफी ज्यादा गुस्सा है, तो सेठ रॉलिंस ने रेसलमेनिया 40 के अंदर कोडी रोड्स की हेल्प करी थी, रोमन रेंज के अगेंस्ट गए थे वो। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी सेठ रॉलिंस जा सकते हैं रोमन रेंज के साथ, रोमन रेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। भाई देखो जो चीज असंभव लग रही थी, हमने सोचा था कि कोडी रोड्स और रोमन रेंज दोस्तों कभी बन ही नहीं सकते, लेकिन WWE ने कर दिखाया, ट्रिपल ने कर दिखाया, रोमन रेंज और कोडी रोड्स को दोस्त बना के रख दिया। तो फिर WWE के अंदर हर कोई चीज पॉसिबल है, मतलब रोमन रेंज और कोडी रोड्स जहां पर दोस्त बन सकते हैं, तो फिर तो सेठ रॉलिंस और रोमन रेंज तो पहले से ही भाई की तरह रहते थे, तो ये दोनों भी एक साथ हमें होते हुए दिख सकते हैं। और इस चीज में सबसे बड़ा हाथ होगा हमारे कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स सेठ रॉलिंस को लेकर आएंगे रोमन रेंज के सामने। सेठ रॉलिंस को वो कहेंगे कि मैं तुम्हें रोमन रेंज से मिला दूं, और वो सेठ रॉलिंस को रोमन रेंज से साथ लेकर आएंगे। शुरुआत में रोमन रेंज सेठ रॉलिंस को कोई भी भाव नहीं देने वाले, वैसे आपको पता है रोमन रेंज काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं सेठ रॉलिंस को देखकर, क्योंकि जहां पर रोमन रेंज और रोज जानी दुश्मन जैसे भी दोस्त बन सकते हैं। भले कोडी रोज रोमन रेंज की टीम के अंदर है, लेकिन रोमन रेंज कोडी रोज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो यही सेम चीज हमें सेठ फ्रिकन रॉलिंस भी करते हुए दिख सकते हैं, जहां पर सेठ रॉलिंस रोमन रेंज और कोडी रोज के साथ इन्वॉल्व हो, लेकिन रोमन रेंज दोनों को ही पसंद ना करे। सेठ रॉलिंस इन्वॉल्व हो सकते हैं रोमन रेंज और कोडी रोज की टीम के अंदर, में एक तीसरा बंदा सेठ रॉलिंस आते हुए दिख सकता है। अगर ये चीज हो जाती है ना, रोमन रेंज और सेठ रॉलिंस एक साथ हो जाते हैं, तो भाई फैंस का नेक्स्ट लेवल का रिएक्शन होगा।
वैसे आप लोग बताना कमेंट करके कि क्या आप लोग भी सेट फिक रॉलिंस और हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक साथ देखना पसंद करोगे या फिर नहीं। और 2025 का रॉयल रंबल का विनर कौन होने वाला है आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। वैसे आपको ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी भाई आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और चैनल पर भी पहली बार आ रहे हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली रेसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स की वीडियो आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप सबसे अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में।